हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऊपर, सिचुएशन इन इंडिया। आज मैं यूट्यूब में स्क्रॉल कर रहा था फ्यू वीडियोस, एंड देन आई केम अक्रॉस आर्टिकल 15 बाय व्हाट अ फैंटास्टिक ट्रेलर, व्हाट अ गुड कंटेंट ऑफ दिस मूवी, एंड इट जस्ट टच माय हार्ट, बिकॉज मैं सोच रहा था कि यू नो इंडिया में जो सिचुएशन है, हम लोग इतना बड़ा कंट्री है, इट्स सो डाइवर्स, लाइक एवरी 100 टू 200 किलोमीटर्स यू गो पीपल ईट डिफरेंट, डू थिंग्स डिफरेंट, दे वेयर क्लोथ्स डिफरेंटली एंड दे लुक बिट डिफरेंट, बट इंडिया ऑलवेज बीन अ वन कंट्री। एंड हम लोग ये देश क्या नहीं देखा, इट हैज़ गॉट मैसिव हिस्ट्री। And then when you come down to the ground and then see in India what is happening, it just saddened my heart. Itna bada bada shahar hai, Delhi, Bombay, Calcutta, Chennai, itna padha likha banda hai, and lot of people are educated in India, phir bhi hum logon mein caste system, race, religion, color, ये सब को लेके हम लोग झमेला करते हैं, लाइक वी फाइट फॉर कास्टिंग सिस्टम, कोई बंदा है अछूत है, यू नो वी मेक यूटेंसिल्स डिफरेंट फॉर जो घर में काम करने आता है, काम वाली के लिए डिफरेंट थाली होता है, पानी का ग्लास होता है पीने के लिए। सबसे बड़ा अभी मुद्दा इंडिया में हम जो देखे हिंदू और मुसलमान का, उसमें इतना दुख पहुंचाता है कि हम लोग इसको इंसान नहीं सोचते, वी डोंट थिंक दैट दे आर ह्यूमन बीइंग, वी जस्ट थिंक दे आर जस्ट अ डिफरेंट पर्सन, दे आर नॉट इंडियन। एक चीज़ बहुत महत्वदार है कि इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तब people just only consider as Indian, they don't think about we are Hindu, we are Muslim, we are Buddhist, we are Sikh, we are Dalit or Brahmin, kuch bhi nahi, there is no casting, there is nothing at all, we just purely considered as Indian, looking at the passport, and that's how supposed to be. Cooper, I don't have any problem ki, you know, he doesn't care if you love your Hinduism or Islamic, Buddhist, Jain, I don't care, but at least we should have a patience and love for another human being. At the end of the day, we all are human being, you know. Wo ek movie tha Nana Patekar ka, you know, as soon as you get the blood, it's all the same, there is no difference in it, but still we fight for caste, religion. So that I was going back to that article 15, it just touched me to the morning, and I thought these are really good issues that Bollywood is trying to bring in front of our society. ऐसा इश्यूज होना नहीं चाहिए, हम लोग सबको कुछ करना पड़ेगा, सब वी हैव टू चेंज। ये सब इश्यूज आता है सोसाइटी से, बॉलीवुड जो मूवी बनाता है दे गेट दिस कंटेंट फ्रॉम सोसाइटी, दे जस्ट डोंट कम अप विद सम इन्वेंशन कि यही हो रहा है मूवी बना लो, एंड ऑल्सो इट सेज दैट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। सो जब ये सुनते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कास्ट को लेके, यो दलित है, उसको अछूत है, ये है वो है, बहुत दुख देता है। एंड वी आर इन 2019, वी शुड प्रोग्रेस, वी शुड मूव फॉरवर्ड, नॉट मूव बैकवर्ड। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे देश नहीं चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस था कि लुक, आई लिव ओवरसीज, हम बाहर रहते हैं, हम जब बाहर रहते हैं तब हम लोगों को पता नहीं चलता है कि इंडिया में रह के क्या सिचुएशन है। हाउएवर वो जो पैशन है, वो जो लव है कंट्री के लिए, वो स्टिल रह जाता है, यू कांट गेट रिड ऑफ दैट। जब हम लास्ट टाइम इंडिया में गया था, आई मैरिड टू अ पंजाबी गर्ल, एंड हम लोग गुरुद्वारा में शादी करना चाहते थे, बट बींग आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आई एम नॉट अ पंजाबी,
what happened was Gurudwara didn't allow me to get married inside the Gurudwara. That was very sad. I feel very sad because at the end of the day, we are all a human being. And I don't know, I don't want to get into the politics why they didn't do it, but that's fine, they didn't do it. It doesn't stop us to get married, it doesn't stop us to love each other. But the sad part was that India still lives in this situation in 2019, and where people get discriminated every day, and it becomes, I feel it became like a norm, like it just accepted. That's how it's supposed to be. अगर कोई बंदा कोई बंदा को कास्ट के वजह से रिलीजन के वजह से अंडरमाइन करता है और दे से बैड थिंग्स इट जस्ट नो इट्स ओके एंड इट इज़ नॉट ओके टू डिस्क्रिमिनेट पीपल विद द रेस रिलीजन सेक्स इट इज़ नॉट ओके टू टेल अनदर ह्यूमन बींग वॉट टू डू दे हैव गॉट राइट दे हैव गॉट डेमोक्रेटिक राइट टू वॉट टू डू मैं और एक न्यूज़ चैनल सुन रहा था इट वॉज ऑन NDTV NDTV में एक बंदा गेस्ट होके आया था एंड ही रिसेंटली गॉट अब्यूज्ड बाई फ्यू पीपल सो ही केम इन टू दैट न्यूज़ चैनल एंड देन ही वॉज मेंशनिंग दैट ड्यूरिंग दिस रमदान दिस होली मंथ फॉर मुस्लिम दैट ही वेंट फॉर नमाज ही प्रे When he was coming back on the street, some people said nasty things to him. They picked on his religion. They said bad things, and वो बंदा पुलिस में जाकर रिपोर्ट किया, and then he probably will go nowhere. And वो लोग अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ. I don't know. They might have now, but when I'm doing this video, but the situation is, हम लोग उतना strict हैं नहीं. कि हम लोग को किसी को अगर कुछ बोल देता है कोई रिलीजन के वजह से या कुछ डिस्क्रिमिनेट करता है हम लोग को लीगल सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं हाउ एवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज डिफरेंटली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिज्म अलाउड नहीं है बट हम लोग मान लिए है कि ये पार्ट ऑफ द लाइफ है एंड दैट इज़ नॉट ओके सो मेरा आज ये वीडियो करने का रीज़न ये है कि आई एक्चुअली फेल्ट रियली बैड when I watched that trailer article 15 and I myself is very passionate about doing something for community look I haven't done a lot for the community but it doesn't mean I'm never gonna do it let's hope this video reach to a lot of people and if I can change one person mentality like ek ya do banda ko bhi hum change kar sakte then I will feel that I'll fulfilled with this video that my time made at least one person's you know thought process change so the request to everyone is please koi banda se jab milte hain hum log us banda ko jaanchiye us banda ko dekhiye ki wo banda acha hai ki kharab hai do not look for their race religion caste or skin color because at the end of the day we all are human beings we are not animals we should not fight for our color of our skin or our religion we should love each other or bhai chara se hi desh ko pragati hota hai ki jhagda se kabhi nahi hota hai and lastly I want to finish this video by requesting to prime minister of India Mr. Narendra Modi ki aap abhi prime minister ban gaye so take some action do something for the country because if you do something different and if you are able to change people's thought process because you know recently you have voted by thousands of millions of people tham I believe because they voted you they believe in you to aap agar change laenge aap agar apne aap ko batayenge ki aise bharat ka pragati hoga to wo log bhi shayad believe karna shuru karega make this india country as one not कि ये हिंदू है मुस्लिम है ये लो कास्ट है दलित है ये वो है ये तमिल है वो नॉर्थ इंडियन है ऐसे मत कीजिए इंडिया इज़ इंडिया जस्ट वन कंट्री थैंक यू जय हिंद